अस्सलाम वालेकुम। आज मनाने जा रहे हैं खास ईद स्पेशल शीर खुरमा, तो जिसके लिए मैंने कुछ चीजें ले ली हैं। 20 से 25 ग्राम मैंने बारीक वाली सिवई ली है, ये रोस्टेड सिवई ली है मैंने, आप कच्ची भी ले सकते हैं, उसको रोस्ट करके बना सकते हैं। ये 50 से 60 ग्राम मैंने चीनी ले ली है, और ये मैंने कुछ मेवे लिए हैं, 7 से 8 मैंने बादाम लिया था, और 8 से 10 मैंने पिस्ते लिए थे। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, और 1 चम्मच चिरौंजी ली थी, 1-1 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था, और इनका छिलका हटाकर लंबाई में कट कर लिया है। ये 2 मैंने खजूर लिए हैं, आप इसकी जगह सूखे वाले छुहारे भी ले सकते हैं, और इनको भी मैंने धोकर लंबाई में कट कर लिया है। 8 से 10 मैंने किशमिश ले ली है, 5 से 6 मैंने काजू लिया था, ये थोड़े से हम जाफरान का यूज करेंगे, 2 चम्मच मैंने कसा हुआ नारियल लिया था सूखा, और थोड़े से मैंने इलायची पाउडर, 5 से 6 हरी इलायची के दाने निकालकर इसका पाउडर बना लिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में बेल आइकन का यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। शीर बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था फुल क्रीम, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो हीट पर पका लिया था उबाल आने के बाद। अब ये पककर 1 लीटर के करीब रह गया है, तो अब हम शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दूसरे बर्नर पर ट्रांसफर कर देंगे, और इस पर हम अपने ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं, बस इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, बहुत ज्यादा घी की हमें जरूरत नहीं है, इतना सा घी डालेंगे हम, और इसको हम गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले जो हमने खजूर लिया था ये ऐड कर देंगे, और बहुत हल्की आंच पे हमें इन्हें फ्राई करने हैं, इनका ज्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना है। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए हम इसको सबसे पहले भून लेंगे घी में, आप सूखे वाले छुहारे भी ले सकते हैं, उनको भिगो कर आप उनको भी पतले पतले लंबाई में काट लें इस तरीके से। अब हम डाल देंगे इसमें हमने जो बादाम लिया था, काजू और पिस्ते, 8 बिल्कुल हल्की आंच पर हमें फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा शीर खुरमा बनकर तैयार होता है, और इसमें मेवे बहुत जाते हैं, तो आप मेवे अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें मेवे बहुत जाते हैं। इसमें हम डाल देंगे नारियल कसा हुआ और किशमिश, इनको हम हल्का सा भून लेंगे अच्छी खुशबू आने तक। मेवे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। दूध को हमने पहले पका लिया था टाइम की बचत के लिए, इस तरीके से हम सारे मेवे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मैंने मेवे फ्राई करके दूसरी प्लेट में निकाल लिया, अभी हमने दूध रख दिया है, इसमें हम 1 उबाल आने देंगे। दूध में हमारे उबाल आने लग गया है, तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले थोड़े से जाफरान के धागे, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से। अब इसी में हम साथ में डाल देंगे सिवई, अगर आपके पास कच्ची सिवई है तो आप उसको घी में हल्का सा फ्राई कर लें। इसको हम मिक्स कर लेंगे, कैसे, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। अगर आपने दूध ज्यादा नहीं पकाया है तो 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लें। यहाँ पे मैंने दूध पहले से पका रखा है, तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, ये थोड़ा सा गाढ़ी भी होने लग गई है, मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भी पका लिया है इसको। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो चीनी ली है, आप चाहें तो कंडेंस मिल्क से भी बना सकते हैं। चीनी को हम घुल जाने देंगे हल्का सा, तो
गर्म दूध में चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब इसी में हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। शीर खुरमा हर कोई बनाता है अपने अपने तरीके से, सबका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने एक और शीर खुरमा डाला हुआ है, आप मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं साइन रेसिपीज के नाम से। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए और पकाएंगे हल्की आंच पर। थोड़ा सा और ये गाढ़ी हो जाए। देखिए 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, अभी अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें हमने जो इलायची पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे और इसमें हम 1 से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। ऊपर से जब हम घी डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी बन के आती है। ये देखिए, बहुत ज्यादा घी का यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर उसके बाद हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ठंडी होने के बाद में, ये भी और ठीक हो जाएगी। और आप अगर ईद के लिए सुबह के लिए बना रहे तो आप इसको रात में ही बनाकर फ्रिज में रख दें या किसी भी फंक्शन ओकेशन पर बना रहे। 1 मिनट के लिए इसको हम और पक जाने देंगे। 1 मिनट के लिए इसको मैंने और पका लिया है घी और इलायची पाउडर डाल के। अब हम गैस अपनी बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसको हमने ठंडा कर लिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने अपने बाउल में निकाल लिया है। अब इस जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए हुए थे फ्राई वाले, ऊपर से हम वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें ट्राई करके हमें जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।